गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये कहा जाता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है क्या? न्यूरॉन। जैसे बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। सेल से मिलकर के बॉडी बना होता है, उसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम मिलकर के किससे बना होता है? न्यूरॉन से। बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो आपस में ज्वाइन होकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरी चीज कहा जाता है न्यूरॉन जो होता है ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी का सबसे लंबा सेल, सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा सेल। और ठीक है, इसकी लंबाई जानते हो लगभग 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 100 सेंटीमीटर। ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं। और इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला है डेंड्राइट, फर्स्ट पार्ट। दूसरा साइटोन और तीसरा एक्सॉन। ये तीन स्ट्रक्चर आपके नर्व सेल में पाए जाते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जरा स्ट्रक्चर देखिएगा, या इसको नोट कर लीजिए फिर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारे पास ये तीन पार्ट थे और इन तीनों पार्ट को लेकर के हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कहता है जो नर्व सेल होता है या हम इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। और जो डेंड्रॉन में ब्रांचिंग होती है इसको बोलते हैं डेंड्राइट। बीच वाला जो पार्ट है इसको सेल बॉडी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। या इसी का दूसरा नाम क्या है? साइटोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? साइटोन। इसको हम और पतला कर देते हैं। ठीक है ना। ये जो रीजन है इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे एक्सॉन। तो आपका डेंड्रॉन हो गया या डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया। और यहां पर देखो आपको ऐसे नोब, गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इनका काम होता है इसके पीछे जो नर्व सेल होगा उस नर्व सेल का जो डेंड्राइट होता है उससे जाकर के कनेक्ट होता है। मतलब इसके पहले जो नर्व सेल होंगे उनका जो सिनेप्टिक नोब होता है वो आकर के आपके डेंड्राइट से जुड़ता है। ठीक है। तो सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गए, और इसको क्या बोलोगे? सिनेप्टिक नोब। क्या बोलोगे? सिनेप्टिक नोब। कहता है अगर
हमारा जो नर्व सेल होता है वो दो तरीके का होता है, पहला माइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्या बोलोगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ठीक है, और ये कैसा है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। कहता है इस एग्जॉन की जो एग्जॉन जो हमारा है इस पर अगर माइलिन सीथ की ऐसे कवरिंग पाई जाए, किसकी कवरिंग पाई जाए, माइलिन सीथ की, इस तरीके से अगर कवरिंग पाई जाती है, ये कवरिंग किसकी है, माइलिन सीथ की, माइलिन सीथ की कवरिंग हो तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अगर ये कवरिंग ना होती तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और जहां पर ये एग्जॉन को टच करते हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोट कर डालिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका न्यूरॉन्स का, फिर अभी इनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, आप पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये अब सबसे पहले बात करेंगे हम साइटोन की। ये आपका साइटोन या सेल बॉडी है, न्यूक्लियस के चारों ओर इसमें क्या भरा होता है, फ्लूड भरा होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या भरता है, फ्लूड, और नर्व सेल का ये फ्लूड है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। इट कंटेन फ्लूड अराउंड न्यूक्लियस कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलोगे, न्यूरोप्लाज्म। साइटोन में या सेल बॉडी में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या भरा होता है, फ्लूड होता है, ठीक है, या ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूड बोलो, या इसी को ग्रेनुलर, ग्रेनुलर का मतलब होता है दानेदार, छोटे छोटे दाने हो, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों ओर जो ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। यह पहला पॉइंट था साइटोन में। दूसरा कहता है इट कंटेन ए लार्ज न्यूक्लियस। अगर कहा जाए कि न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है तो क्या बोलोगे, साइटोन में प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस कहाँ होता है, साइटोन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, न्यूमरस फाइन, बहुत महीन, बहुत पतले, थ्रेड लाइक न्यूरो फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट दैट हेल्प इन नर्व कंडक्शन। किसमें हेल्प करते हैं, जो आपके नर्व सेल में इम्पल्स का कंडक्शन होता है उस कंडक्शन में मेनली मदद कौन करता है, न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है। न्यूरोफाइब्रिल जो होते हैं ये नर्व के इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, नोट कर डालिए। इसके साथ साथ अब हम आगे इसी में बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की, साइटोन की हम अभी बात कर रहे हैं। इसी में कहता है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है
और इसका इस स्ट्रक्चर का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करना, और इसका जो नाम है वो है निसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल कहता है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स इसको अगर हम बोलें तो कहता है रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, प्लस राइबोसोम्स। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? निसेल्स ग्रेन्यूल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? निसेल्स ग्रेन्यूल। और इसका काम क्या होता है निसेल्स ग्रेन्यूल का? इसका काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन। ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन के फॉर्मेशन के। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था आपका किसका? साइटोन का। साइटोन में एक ग्रेनुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको न्यूरोप्लाज बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं जो आपके नर्व के कंडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, चारों तरफ नर्व जो भी आपका इंपल्स होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं। और निसेल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नोट कर डालिए। इसके साथ साथ इसी साइटोन में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी में आप एक और लिख लीजिएगा, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द साइटोन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी। नोट कर डालिए, प्रोवाइड एनर्जी। इसके बाद फिर हम बात करेंगे, अपना नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमारा है डेंड्राइट, या हम सेकेंड क्या है? डेंड्राइट्स। मेन का मेन फंक्शन इसका क्या है? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टू दी साइटोन, टू दी साइटोन। बाहर से लेगा, कहां देगा? साइटोन। फ्रॉम दी, कहां से लेगा? फ्रॉम दी सिनेप्टिक नोब ऑफ अदर न्यूरॉन्स, अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन्स के सिनेप्टिक नोब से। मैंने बोला था ना, अगर इस तरीके से सिनेप्टिक नोब आए तो यहाँ से नर्व का इम्पल्सन जो होता है सिनेप्टिक नोब से कहाँ जाएगा? डेंड्राइट में। और फिर ये डेंड्राइट कहाँ भेजेगा उसको? साइटोन में। तो मेन काम का है कंडक्शन का, और क्या करता है कंडक्शन? इम्पल्स का कंडक्शन करता है। कहाँ से? ये कंडक्शन करेगा न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब से साइटोन तक। क्लियर? कहता है डेंड्राइट न्यूरोप्लाज्म, डेंड्राइट के अंदर जो न्यूरोप्लाज्म होता है कंटेन निसेल्स, या हम ये कहते हैं कि इसका जो किसका डेंड्राइट का जो न्यूरोप्लाज्म होता है इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक आपका निसेल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक क्या होता है? निसेल्स ग्रेन्यूल। और इसके साथ साथ न्यूरो फाइब्रल्स, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स एंड
न्यूरोफाइब्रिल्स ये प्रेजेंट होते कहां पर? डेंड्राइट के न्यूरोप्लाज्म में, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट था हमारा। अब नर्व सेल में हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, किसको? थर्ड पार्ट जो हमारा है वो क्या है? एक्सॉन। थर्ड पार्ट क्या है? एक्सॉन। सबसे पहले चीज लॉन्गेस्ट इन साइज, साइज में क्या है? अगर इन तीनों में देखें तो आपका यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा पार्ट है उसको आपने क्या बोला? उसको आपने बोला एक्सॉन। उसने आपने क्या बोला? एक्सॉन बोला। तो हमारे न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है ना, और एंड ऑफ, सेकंड पॉइंट, एंड ऑफ एक्सॉन हैव सिनेप्टिक नोब विच ट्रांसफर इम्पल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन्स, अगले न्यूरॉन्स तक सिनेप्टिक नोब के थ्रू नर्व का ट्रांसमिशन या नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना। और दो चीज मैंने बोला कि अगर एक्सॉन पर माइलिन शीथ की कवरिंग है तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलोगे, माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होगी तो क्या बोलोगे? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर था किसका? नर्व का या न्यूरॉन्स का। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। थैंक यू।